जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। मैं नीलेश सागर निडर आज आपके सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी मासूम बच्ची का बलात्कार करके उसको मार दिया गया, फिर उसको जला दिया गया। अभी कल का बयान है माननीय केजरीवाल जी का। उन्होंने बच्ची की फैमिली को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने बच्ची के घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत गरीब पुअर फैमिली से हैं, तो इसलिए उनके लिए एक सरकारी वकील भी मुहैया करवाया गया है। लेकिन मैं ये मांग करती हूँ और मेरा पूरा समाज ये मांग करता है कि आरोपी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नंगली गांव के बीच चौराहे पर सार्वजनिक रूप से उसे फांसी हो, किसी बंद काल कोठरी जेल में उसे फांसी ना हो, ताकि और लोगों को सबक मिल सके जो ऐसा अपराध करने की सोच रहे हैं, उन सबको। साथ ही इसका लाइव टेलीकास्ट सारे टीवी चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी जिसके दिमाग में ये गंदी चीज़ें अगर पल भी रही हों तो वो करने से पहले 100 बार सोचे, बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपी को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, आरोपी जो है, आरोपी होता है वो किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी वाल्मीकि समाज की जो एक लड़की थी हाथरस में, उसका भी रेप हुआ था और गैंग रेप हुआ था। क्या उसके आरोपियों को अभी तक सज़ा मिली? क्या उन्हें फांसी की सज़ा हुई? इसलिए पैसे से घाव नहीं भरते हैं माननीय केजरीवाल जी। अपराध किया है तो उसे सज़ा दिलवाएं। पैसे से आप किसी की बेटी को वापस नहीं दे सकते। इसलिए उस पंडित पुजारी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो नंगली गांव की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी। हो सकता है अगर वो आज जीवित होती, हमारे बीच होती, तो वो डॉक्टर बनती, कलेक्टर बनती, इंजीनियर बनती, देश की सेवा करती। क्या पता वो गेम में जो ओलंपिक्स होते हैं हमारे, उसमें चली जाती, वो देश का नाम रोशन करती। आखिर कब तक चलेगा ये बलात्कार का नंगा नाच? अगर ये 9 साल की मासूम सी बच्ची किसी नेता की बेटी होती, किसी सेलिब्रिटी की बेटी होती, तो अभी तक आरोपी को अरेस्ट करके उसको सज़ा मिल चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो गरीब की बेटी थी, अनुसूचित जाति की बेटी थी, वाल्मीकि समाज की बेटी थी, इसलिए इतनी ढिलाई बरती जा रही है, इसलिए केस को इतना लंबा खींचा जा रहा है, ताकि लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं, वो सब शांत हो जाएं और लोग भूल जाएं। इसलिए इस बात को इतना टाल टाल के पीछे किया जा रहा है। साथियों, अब भी मौका है, संभल जाओ। आखिर कब तक अपनी बहन बेटियों को इस धर्म की बलि चढ़ाते रहोगे, कब तक? इसलिए इन पाखंडियों का साथ मत दीजिए। और सबसे बड़ी वाली बात मैं फिर से कह रही हूँ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि भाजपा सरकार की वजह से ही बलात्कार हो रहे हैं। जो भी बलात्कारी होते हैं, जो बलात्कार करते हैं, वो सीधा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उनके सारे केस ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसलिए भाजपा को हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरे समाज से, पूरे वाल्मीकि समाज से और सर्व समाज से ये अपील करती हूँ, पूरे देश में अभियान चलाइए, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जब तक भाजपा रहेगी, तब तक ऐसे ही अत्याचार, जातिवाद और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। अगर आपको बलात्कारों से बचना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचानी है, तो भाजपा हटाइए। अगर आपको नौकरियां चाहिए, तो भाजपा हटाइए। भाजपा
हटाओ, देश बचाओ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वो स्लोगन भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और भाजपा सरकार में बलात्कार करवाओ। क्या इसलिए बेटियां बचाएं हम? क्या इसलिए हैं हमारी बेटियां? आखिर कब तक चलेगा ये बलात्कार का नंगा नाच, कब तक? इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करती हूं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। जब तक भाजपा रहेगी तब तक ऐसे ही बलात्कार, जातिगत उत्पीड़न, निर्मम हत्याएं होती रहेंगी। सजा सबको बराबर होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो। अगर सिख कौम की ले लीजिए आप, सिख कौम में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पूरा सिख समाज बोलता है कि इसे फांसी दी जाए, इसे सजा दी जाए। अगर मुस्लिम समाज में कोई अपराधी अपराध करता है तो पूरा मुस्लिम समाज बोलता है कि इसे फांसी दी जाए, इसे सजा दी जाए। लेकिन सिर्फ एक समाज ऐसा है, सवर्ण समाज। मैंने आज तक आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को बहन बेटियों के लिए न्याय मांगते नहीं देखा। अगर कोई वीडियो हो तो मुझे ज़रूर देना। जब बहन बेटियों का बलात्कार होता है और आरएसएस की शाखा वाले लोग खुद ही बलात्कार करते हैं तो वो लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते? क्या आपकी बहन बेटियां बलात्कार करने के लिए बनी हैं? क्या आपके बच्चे जातिगत उत्पीड़न सहने के लिए बने हैं? तो मैं सवर्ण समाज से भी अपील करती हूं कि व्यक्ति अपने समाज का हो या गैर समाज का, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका साथ ना दें। क्या कहती है आरएसएस? क्या सवर्ण समाज को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि इसको फांसी की सजा दी जाए? क्यों उसको बचाने में लगे हुए हैं? उस पंडित पुजारी को क्यों बचाने में लगे हुए हैं? कल को आपके बेटी का रेप होगा तभी आपकी आंखें खुलेंगी क्या? तो मैं सर्व समाज से अपील करती हूँ, उस मासूम बच्ची को न्याय दिया जाना चाहिए। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह पंडित पुजारी सूली पर चढ़ेगा, जब उसको सार्वजनिक फांसी होगी तभी उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं अपील करती हूँ आप सभी लोगों से कि उस पुजारी को सजा दिलवा कर रहे हैं, क्योंकि कानून उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कानून के हिसाब से बच्ची की मौत करंट लगने से हुई। जब बच्ची को करंट लग गया था तो उसकी बॉडी जो थी वो उसके माँ बाप के हवाले कर देते। उसके माँ बाप के हवाले करने के बजाय आप बच्ची को ज़बरदस्ती वहाँ पर जलाया जा रहा था और लड़की के माता पिता को अंदर नहीं घुसने दिया गया शमशान घाट में। जैसे तैसे करके वो लोग घुसे तो उस लड़की के, उस बच्ची के सिर्फ पैर बचे थे जलने से, सिर्फ पैर। जब आपने बलात्कार नहीं किया था पुजारी जी, पंडित जी, तो फिर उसको जलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप एक छोटी सी बात समझिए, पुजारी अगर बलात्कार नहीं करता तो उसे जलाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं जलाना चाहिए था। जलाया इसलिए गया ताकि सबूत ख़त्म हो जाए, सबूत मिट जाए और उसका पोस्टमार्टम ना हो पाए। अगर डेड बॉडी होती बच्ची की तो उसका पोस्टमार्टम होता, पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो जाता कि पुजारी ने बलात्कार किया, बलात्कार की सजा उसको फांसी होती। इसलिए उसकी बॉडी को जला दिया गया। और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को मैं तो कहती हूँ कि जूतों से मारो, चप्पलों से मारो। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो
कोई भी हो। ऐसे घटिया लोगों को समाज में जीने का, रहने का कोई अधिकार नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोग बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अपील करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। यही उस बच्ची के लिए हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को।